दोस्तों, यह है दार्जिलिंग, जो कि हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ पश्चिम बंगाल का एक काफी खूबसूरत और लोकप्रिय हिल स्टेशन के तौर पे जाना जाता है। दार्जिलिंग ना सिर्फ अपने मनमोहक वादियों के लिए मशहूर है, बल्कि इस छोटे से टाउन में अनेकों ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो इसे बहुत ही खास बनाते हैं। यह विशेष रूप से अपने चाय के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहीं इसका हिमालयन रेलवे इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में सम्मिलित करता है, तथा दार्जिलिंग तिब्बती भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला दोर्जो यानी कि ब्रज और दूसरा लिंग यानी कि स्थान। इस तरह दार्जिलिंग का अर्थ होता है ब्रज का स्थान। एंड अगर हम दार्जिलिंग के मेन टाउन की बात करें तो यह शिवालिक पर्वतमाला पर महज 10.60 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर फैला हुआ एक बहुत ही छोटा सा टाउन है। वहीं 2011 सेंसस के आधार पर यहां की पॉपुलेशन तकरीबन 1.32 लाख लोगों की है, जिसमें कि 74% हिंदू, 11.33% बुद्धिस्ट, 7.68% क्रिश्चियन, 5.69% मुस्लिम्स और बाकी यहां पर अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं। वहीं दार्जिलिंग की स्पोकन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज बांग्ला और नेपाली है, तथा यहां के हिली रीजन में 3 अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। और अब जान लेते हैं दार्जिलिंग के ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के बारे में। तो ये टाउन मुख्य तौर पे सड़क मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि यहाँ से तकरीबन 96 किलोमीटर दूर सिल्लीगुड़ी में स्थित है, तथा यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो कि इसे देश के अन्य हिस्सों से जोड़ता है। एंड अगर आप कभी दार्जिलिंग आकर यहाँ के हसीन मौसम का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ अप्रैल से जून के महीने में आ सकते हैं, क्योंकि इस दरमियान यहाँ का मौसम बेहद ही खुशनुमा हो जाता है, जिसमें कि आप जी भर के एंजॉय कर सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं दार्जिलिंग में घूमने फिरने योग्य कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आप महाकाल टेंपल, लामा हाता विलेज, बतासिया लूप, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, टाइगर हिल, तीन चूल्हे विलेज और पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जैसी जगहों पर घूम सकते हैं।